दोस्तों 2023 खत्म होने जा रहा है। 2023 में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, हर एक सेगमेंट में, हर एक बजट में। और अगर आप एक फोन खरीदना चाहते हैं किसी भी बजट में, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक बजट में आपको फोन्स बताने जा रहा हूं, और उनमें एक ऐसा फोन होगा जो मेरा अपना पिक है। अगर आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उस फोन को खरीद सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्राइस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की है वो विदाउट एनी ऑफर है। अगर आप ऑफर में खरीदते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो प्राइस होने वाली है वो इस वीडियो में बताए गए प्राइस से कम हो सकती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे बजट से, जो है अपना 10,000 रुपीज का। और देखिए 10,000 के सेगमेंट में आपको बहुत सारे फोन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैं वही फोन कंसीडर करने जा रहा हूं जो फोन 5G सपोर्ट करते हैं। इन फोन्स को 2024 में खरीदोगे, और अब हम 5G को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो मैंने उन्हीं फोन्स को कंसीडर किया है जो 5G सपोर्ट करते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहले नाम आता है वो होता है पोको की तरफ से आने वाला पोको M6, और पोको की तरफ से ही आने वाला अगला फोन है जो है पोको M6 प्रो। इसके अलावा आपको आईटेल P55 देखने को मिल जाता है, और आपको लावा की तरफ से दो फोन देखने को मिल जाते हैं, एक है लावा ब्लेज और दूसरा है लावा ब्लेज 2। इस लिस्ट के सारे फोन अच्छे हैं, पर इनमें जो मेरी पिक होने वाली है वो है पोको की तरफ से आने वाला पोको M6 प्रो। पोको M6 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 18W की चार्जिंग सपोर्ट करता है, 50MP का आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल फोन बहुत ही अच्छा है, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पोको M6 प्रो को खरीद सकते हैं। हमारा जो अगला सेगमेंट होने वाला है वो है अंडर 15,000 रुपीज, और इस सेगमेंट में आपको अगेन पोको की तरफ से दो फोन देखने को मिलते हैं, पोको M6 प्रो और पोको X5। आईक्यू की तरफ से आईक्यू Z7S, मोटरोला की तरफ से मोटरोला G54, और रियलमी की तरफ से आपको नार्जो 60X देखने को मिलता है। इस लिस्ट में जो मेरी पिक होने वाली है वो है मोटरोला की तरफ से आने वाला मोटरोला G54। ये फोन आपको 50MP OIS के साथ देखने को मिलता है, डायमेंसिटी 7020 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, आपको 6000mAh की बैटरी मिलती है, जबकि बाकी सारे फोन्स में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही मोटरोला का आपको क्लीन स्टॉक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने अगले बजट की तरफ, जो है अंडर 20,000 रुपीज, और इस बजट में भी आपको बहुत सारे फोन देखने को मिलते हैं। लिस्ट की बात करें तो आपको अगेन पोको की तरफ से पोको X5 प्रो देखने को मिलता है, लावा की तरफ से लावा अग्नि 2, रियलमी की तरफ से रियलमी 11, OnePlus की तरफ से आपको OnePlus Nord CE3 Lite देखने को मिलता है। इस लिस्ट से जो मेरा पिक होने वाला है वो है अगेन पोको की तरफ से आने वाला पोको X5 Pro। रीजन, आपको इसमें स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिल जाता है, आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ ही आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 67W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, कैमरे में आपको 108MP का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी देखने को मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने अगले बजट की तरफ, और जो है अंडर 25,000 रुपीज। अंडर 25,000 रुपीज में आपको OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus Nord CE3 देखने को मिलता है, Moto की तरफ से Moto H40 Neo देखने को मिलता है, iQOO की तरफ से iQOO Z7 Pro, Vivo की तरफ से T2 Pro देखने को मिलता है। इस लिस्ट के सारे फोन अपनी जगह काफी अच्छे हैं। इसमें जो मेरी पिक होने वाली है वो है मोटरोला की तरफ से आने वाला मोटरोला Edge 40 Neo। बहुत सारे लोग मेरे इस पिक से एग्री नहीं करेंगे, उन्हें ऐसा लगता है OnePlus काफी अच्छा ऑप्शन है, और एक्चुअली OnePlus काफी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मोटो को पिक करने का मेरा रीजन है, पहले तो इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, दूसरा इसमें डायमेंसिटी 7030 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ ही जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है वो है IP रेटिंग, और ये एक वाटरप्रूफ फोन है। इस लिस्ट में बाकी कोई भी दूसरा फोन वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये रीजन है जिसके कारण मैं यहां पिक करूंगा मोटोरोला Edge 40 Neo। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले बजट की, जो है अंडर 30,000 रुपीज। तो अंडर 30,000 रुपीज आपको पोको की तरफ से आने वाला पोको F5, iQOO की तरफ से आने वाला iQOO Neo 7, OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus Nord 3, Moto की तरफ से Moto H40, और Samsung की तरफ से आने वाला Samsung S21 FE Exynos वाला वर्जन देखने को मिलता है। सारे ही फोन बेहतरीन है, मेरा पिक इसमें से होने वाला है OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus Nord 3। इस लिस्ट में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वाइज फोन है वो है पोको की तरफ से आने वाला पोको F5, लेकिन पोको मैं इसलिए पिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पोको को पसंद नहीं करते हैं इस समय, बहुत सारे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो पोको में कम है,
और वन प्लस ब्रांड का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी भी लोगों में काफ़ी अच्छा है, तो मेरी जो पिक होने वाली है वो होने वाली है वन प्लस की तरफ से आने वाला वन प्लस नॉट 3। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बजट की जो है अंडर 40,000 रुपीज। तो अब देखिए 30 से 40 में डायरेक्ट 10,000 बढ़ा रहा हूं यहां पर, क्योंकि अब जो फोन्स हैं वो काफी कम हो जाते हैं इस बजट में। तो अंडर 40,000 रुपीज आपको आईक्यू की तरफ से नियो 7 प्रो देखने को मिलता है, नथिंग की तरफ से नथिंग फोन 2, वन प्लस की तरफ से वन प्लस 11R, पिक्सेल की तरफ से पिक्सेल 7 और पिक्सेल 7A, और सैमसंग की तरफ से सैमसंग S21 FE स्नैपड्रैगन 888 वाला वर्जन देखने को मिलता है। अब इस लिस्ट को अगेन में दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। अगर आपका बजट 30-35 के बीच में है तो गो एंड बाय आईक्यू नियो 7 प्रो। आईक्यू नियो 7 प्रो में आपको 120 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है, रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ कैमरा देखने को मिल जाता है, आपको इसमें इंडिविजुअल चिप देखने को मिल जाती है अगर आप गेमिंग के लिए कोई फ़ोन खरीदना चाहते हैं, आपको इसमें स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 8+ Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब अगर आपका बजट 35-40,000 के बीच में है, उस केस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया पिक्सल 7, 7A, नथिंग फोन 2, वन प्लस 11R। इनमें से जो मेरा पिक होने वाला है वो है वन प्लस 11R। वन प्लस 11R में आपको 8+ Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, 100 वाट की आपको चार्जिंग देखने को मिलने वाली है, आपको 120 हर्ट्ज के AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ आपको कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो ये फ़ोन बेहतरीन पैकेज है अगर आप अंडर 40,000 रुपीज़ कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की जो है अंडर 50,000 रुपीज़। तो अंडर 50,000 रुपीज़ आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, आईक्यू 12 जो अभी लॉन्च हुआ है वो एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा फ़ोन लेना चाहते हैं तो आईफोन 13 के साथ आप जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें और बात करें अपने अगले बजट की जो है अंडर 60,000 रुपीज़। तो अंडर 60,000 रुपीज़ आपके पास 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आपको आईफोन 14 देखने को मिलता है, आपको वन प्लस की तरफ से आने वाला वन प्लस 11 देखने को मिलता है, और सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग S23 देखने को मिलता है। अब ये तीनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं अपने पिक की बात करूं तो मेरा पिक होने वाला है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग S23। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले बजट की जो है अंडर 70,000 रुपीज़। तो अंडर 70,000 रुपीज़ आपको Xiaomi की तरफ से आने वाला Xiaomi 13 Pro देखने को मिलता है, iPhone की तरफ से iPhone 15 और 15 Plus देखने को मिल जाता है, Samsung की तरफ से Samsung S23 Plus देखने को मिलता है। अब अगर आप इसमें Android से पिक करना चाहते हैं तो माई पिक विल बी Samsung S23 Plus। iPhone की बात करें तो iPhone 15 एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इस वीडियो में देखिए मैं अंडर 70,000 रुपीज़ का ही सेगमेंट कवर करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर का जो सेगमेंट है उसमें आपके पास फ़ोन के ऑप्शन काफ़ी कम है। आपके पास Samsung के फ़ोन्स हैं, iPhone है, और इसके अलावा अभी Pixel की जो सीरीज़ है वो है, तो आप डेफिनेटली इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं जो आप पिक करना चाहें। इस वीडियो में आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने Google Pixel का कोई भी फ़ोन इंक्लूड नहीं किया है, और उसका रीज़न है उसका प्रोसेसर। देखिए जो उसका प्रोसेसर है वो इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। जिन लोगों ने भी फ़ोन्स खरीदे हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो इसलिए मैंने इन फ़ोन्स को अभी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। अगर मैंने किसी भी लिस्ट में कोई अच्छा फ़ोन मिस कर दिया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।